नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं पर तीखा जुबानी हमला बोलते हुए नाकाबिल बताया है। आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने कहा कि तुमसे मुकाबला नहीं होगा, तुम कहते हो कि मोदी चेहरा होंगे, मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, चुनाव राजस्थान विधानसभा के हैं और आप मोदी का चेहरा आगे ला रहे हो, आप इतने नाकाबिल हो कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो। आगे बढ़ने से पहले सीएम का बयान आप सुन लीजिए। जनता के भले के काम किए, सोशल सिक्योरिटी की है, विकास किए, मैं तो चुनाव ज्यादा भी लड़ना चाहूंगा। और मोदी जो अंतर्राष्ट्रीय नेता है, विश्व गुरु है, उनको क्यों ला रहे हो आप लोग? अगर हिम्मत तुम्हें क्या, तुम पहले मैंने 20-25 साल के यहाँ पर नेता बने बैठे हो, तो 25-30 साल में तुम किसी योग्य नहीं बन पाए हो, तुम्हारे चेहरे पर ही इलेक्शन लड़ा जाए राजस्थान के अंदर। 25-30 साल के तुम 5-6 बार चुनाव जीत गए हो, तो 4 बार जीत गया, 3 बार जीत गया। जब तुम इतनी भी अभी क्षमता पैदा नहीं हुई है, ये तुम्हारी हाईकमांड तुम्हें अंडर वैल्यूएशन कर रही है, तो आप इतने काबिल नहीं हो आपका चेहरा आगे रख के थोड़ा लड़ा जाए। मोदी जी के चेहरे में कहीं लड़ेंगे कह रहे हैं। सीएम गहलोत अपने बयानों से साफ करते हैं कि वो आगामी चुनाव अपनी सरकार के कामकाज और लोक कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर ही लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैंने जो काम किए हैं, जैसा प्रदर्शन किया है, जनता की भलाई के लिए किया है, सामाजिक सुरक्षा दी है, मैं तो चुनाव उसके आधार पर लड़ना चाहूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि नरेंद्र मोदी तो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, विश्व गुरु हैं, कई बार चुनाव जीतने वाले बीजेपी के स्थानीय नेता 25 से 30 साल में भी इतने काबिल नहीं बन पाए हैं कि राज्य का चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा जाए। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि वसुंधरा राजे ने कभी उनकी सरकार नहीं बचाई। उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है जनता पर, बताइए ये चेहरा है मुख्यमंत्री के लायक, एक कटाक्ष किया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो चेहरा है वो तो घर में बैठी हुई है। दो लाख की बातें कर रहे थे, 2 लाख लोग आएंगे, 15-30 हजार लोग आए थे। वसुंधरा जी ने वहां पर पूरे को छिपा रखा है, दो बार मुख्यमंत्री रही है, लाओ आगे उसको। अगर मुकाबला तुमसे मुकाबला होगा नहीं, तुमसे मुकाबला नहीं होने वाला, तुमसे तो मोदी से चेहरा होगा। अरे मोदी प्रधानमंत्री भाई, चुनाव तो हो रहा है राजस्थान के विधानसभा का, तुम्हें मोदी का चेहरा आगे लाना है। इसे तुम इतने नाजोगे हो, तुम लोग नाजोगे मतलब तुम नाकाबिल हो, तो तुम क्या तो मोदी के चेहरे पे रहने लगे हम लोग? मोदी प्रधानमंत्री, मैं तो प्रधानमंत्री हूं नहीं, मैं तो जो मैंने काम किया राजस्थान के अंदर, जो मैंने परफॉर्मेंस दी है, जनता के भले के काम किए, सोशल सिक्योरिटी की है, विकास किए, मैं तो चुनाव उससे ज्यादा भी लड़ना चाहूंगा। और मोदी जो अंतर्राष्ट्रीय नेता है, विश्व गुरु है, उनको क्यों ला रहे हो आप लोग? अगर हिम्मत तुम्हें क्या, तुम पहले मैंने 20-25 साल के यहाँ पर नेता बने बैठे हो, तो 25-30 साल में तुम किसी योग्य नहीं बन पाए हो, तुम्हारे चेहरे पर ही इलेक्शन लड़ा जाए राजस्थान के अंदर। 25-30 साल के तुम 5-6 बार चुनाव जीत गए हो, तो 4 बार जीत गया, 3 बार जीत गया। जब तुम इतनी भी अभी क्षमता पैदा नहीं हुई है, तुम्हारी हाईकमांड तुम्हें अंडर वैल्यूएशन कर रही है, तो आप इतने काबिल नहीं हो आपका चेहरा आगे रख के थोड़ा लड़ा जाए। मोदी जी के चेहरे में कहीं लड़ेंगे कह रहे हैं। भले ही सफाई दी, लेकिन एक बात तो साफ लग रही है कि तब भी वसुंधरा राजे की तरफदारी तो कर ही दी। इससे आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी संजीवनी क्रेडिट सहकारी सोसाइटी मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर सहयोग नहीं कर रही। दोनों पैरों में लगी चोट को लेकर भी विपक्ष की बयानबाजी पर अशोक गहलोत ने कहा कि जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में व्हीलचेयर पर घूमी और जीत गई, वैसे ही विपक्ष वालों को लगता है कि अशोक गहलोत कहीं व्हीलचेयर पर घूमते हुए चुनाव ना जीत जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी भाजपा नेताओं की सोच का परिचायक है, विशेषकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि क्या ये मुख्यमंत्री के चेहरे के लायक हैं? चाहे बीजेपी अलाकमान कितना भी जोर लगा ले, लेकिन जनता कभी भी इनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मान सकती, ये मैं दावा कर सकता हूं। तो आपके इस पर विचार कमेंट करके जरूर बताएं।
बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।